शाम का टाइम हो गया है और मैं चली हूँ सूट सिलने देने। एक मेरा सूट है, एक रितु का है और एक मम्मी का है। रितु का येलो कलर का सूट है, तो तीनों हम पहनेंगे अहोई अष्टमी वाले दिन। तो तीनों है वो वाले सूट सिलने देने जा रही हूँ मैं। तो रितु का भी कल कॉल आ गया था कि मेरा सूट दे आना, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे, टेलर भैया देगा नहीं सिल के। और मम्मी ने भी अपना पसंद कर लिया, मैंने भी कर लिया, तो मैं सोच रही हूँ दे ही आऊँ भी भाग के। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 19 तारीख और अभी सुबह सुबह का टाइम है। और ये देखो मम्मी कितने सारे फ्रूट ले आई है, ये देखो केले सेब संतरे। और ये किस लिए लेके आई है, क्योंकि आज हमारे यहाँ होने वाला है कीर्तन। 12 बजे लेडीज आना शुरू हो जाएंगी। और कीर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि आज नायरा का बर्थडे है 19 तारीख का। तो नायरा के बर्थडे वाले दिन मम्मी कीर्तन करवा रही है, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और अभी हम साफ सफाई के सारे काम निपटा के नाश्ता करके और फिर नहाने धोने जाएंगे, क्योंकि 12 बजे की बोल रखी है, 12:30 बजे तक तो लेडीज आना शुरू हो ही जाएंगी। तो चलो अभी काम निपटा लेते हैं। तो साफ सफाई के मेरे सारे काम निपट गए हैं और अभी मैं लगूंगी नाश्ता बनाने। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। शाम को दाल बनाई थी मैंने, तो वो बच गई थी, तो उसी के पराठे बना दिए। वैसे मैं एक बार सोच रही थी कि पोहा बना लूँ, फिर मम्मी बोली पोहा तो जल्दी पच जाएगा, दोपहर में तो लंच बनेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम तो कीर्तन होएगा, तो ऐसी चीज़ बना ले, मतलब हैवी नाश्ता बना ले तो, ताकि लंच ना करना पड़े। तो इसीलिए मैंने पराठे बना लिए हैं और पराठे मेरे बन गए हैं। अभी कर लेते हैं नाश्ता, फिर नहाने धोने जाएंगे। और नहा धो के तैयार हो गई हूँ मैं। और ये पिंक वाला मैंने आज सूट डाला है, पिंक मेरा फेवरेट कलर भी है, बहुत अच्छे लगते हैं पिंक कलर के सूट। और आंटी अभी आ गई है, सुमन आंटी, बाला आंटी और एक आंटी और आई है, तो अभी आना शुरू ही है मतलब। तो वो बिछा दिए हैं कारपेट वगैरह सारे, सारी पूजा की तैयारी कर दी है, मतलब चौकी भी सजाने लग रही है मम्मी। तो चलो दिखाती हूँ बाहर जाके। ये सूट वैसे भी सुंदर लगे, अगर कैसे भी ब्लैक कलर ही सुंदर है। बिछा दिए हैं ये गत्ते वत्ते, 12:20 हो गए। नीचे जा रहा गला तो इसका, हाँ नीचे जा रहा पूरा, फिटिंग मारेंगे जब जाके देखेंगे इनके काम। वैसे तो सुंदर है सूट, हाँ देखिए कैसे कलर है, गेरवा कलर है, यो गेरवा इनकी ताई से पकड़वाऊंगी, करूंगी कोई ना जी पर, हाँ तैयारी कौन करेगा, लड़की सूट लगाने के लिए देगा तू तैयारी कर वाला ही लेना है ना, नहीं नहीं मैं तुम पे तो थोड़ा लगा है, ठीक है मैं केस पकड़ूंगी। ये वाली लेस मेरी का दूसरी लेस जो है कम है, ये वाला कलर तो बहुत कम आवे। और अभी यहाँ पर मम्मी और आंटी और लगी हुई है पूजा की पूरी तैयारी करने, क्योंकि और लेडीज अभी तक आई नहीं है, तो इससे पहले जितनी भी मतलब यहाँ पर कोई भी सामान रखना है पूजा का वो रख लेंगे। तिलक लगाने हैं तो मम्मी अभी तिलक लगाने लग रही है, और जो फूलों की माला है ना वो सुमित लेने गए हैं, बस लेके आते ही होंगे, तो फूलों के आ गए हैं। देखो सुमित भी फूलों की माला लेके आंटी भी आ गई। एक ब्लैक सूट में लगे अभी करा पतले सूट पहनू ना मैं, जो मतलब धरे हुए हैं हो रहे हो थोड़े से, फिर आप योगा करो कुछ तो असर होएगा। और तेरी के जो पहनू उन बहुत नहीं लागू सूट चेंज करने वाले सारे, तो तेरी पर उन सारे ये पतली ज्यादा हो रही है। नाटी का ब्लैक सूट देख लो कितना सुंदर है, खुश हो जा पतले का नाम सुनकर, माफ कर पतले के नाम की बात है।
सर्दियां फिर मोटे हो जाए खा खा गए पड़े पड़े क्यों एक्टिविटी कम होगी खाया ज्यादा जाएगा सर्दियों में। आंटी कितना सुंदर मनी प्लांट लेके आई हमारे लिए इसको अंदर रखेंगे क्या आंटी जी? हम ये सोच रहे हैं इसमें कुछ लगा दिए खाली पड़ा है बाहर कुछ काम तो आ नहीं रहा है। ठीक है आप ले जाओ इसको ठीक है हाँ फिर सुंदर लगेगा ये है ना टेबल पे रख लूंगी इसको टेबल पे अच्छा लगेगा ये ठीक है ठीक अभी मैं आंटी के घर जा ली हूँ ढोलकी लेने के लिए। जो ढोलकी लेके आई है ना दूसरी आंटी तो वो धीरे बज रही है। तो मम्मी बोली जो हमारे गली में घर है ना तो वहाँ से ढोलकी ले आओ वो तेज बजेगी तो बढ़िया मजा आएगा गीत भजन गाने में। तो इसलिए मैं लेने जा रही हूँ मिल गई ना तो ढोलकी लेके आऊंगी मैं ढोलकी इस काली पन्नी के अंदर इतनी तेज बजेगी भैया तो क्या बर्थडे है ना जिसका भी हैप्पी बर्थडे ओए हैप्पी बर्थडे आज इसका भी बर्थडे है नायरा के बर्थडे के साथ साथ दोनों एक ही दिन हुए थे। बनने वाली है बस तो अभी समोसे और चाय दूंगी मैं चलो डाल लेती हूँ समोसे चाय भी बनी गई है बस।
खाली अभी तो निकालने पड़ेंगे, साफ्ट में पड़े हैं सारे। और हाँ जब ले आवेंगे, क्योंकि साफ्ट फुल भरी है, जाने का भी रास्ता नहीं इसमें अंदर। और कीर्तन पूरा हो गया है, आंटी भी सारी जा चुकी है, मौसी जी भी जा चुकी है, और अभी लग गई हूँ मैं यहाँ की साफ सफाई करने में। तो जितने भी मतलब कंबल बिछा रखे थे बैठने के लिए, तो इनकी तय करके
करके इनको अलमीरा में रख देती हूँ, और जो भी यहाँ पर सामान रखा वो सारा उठा देती हूँ। चौकी तो आज रहेगी, शायद आज नहीं उठाते, कल उठानी पड़ेगी चौकी, तो ये तो आज यहीं रखी रहेगी। पर जो कंबल है वो जड़का जड़का के तय करके इनको अलमीरा में रख दूँगी। और जब मैंने कंबल जड़काए ना, तो थोड़ा बहुत जो कंबलों पर कूड़ा था, इनके नीचे भी थोड़ा थोड़ा करकर सी हो गई थी, तो कीर्तन होने के बाद ना झाड़ू नहीं लगाते, तो फिर मैंने क्या किया, पोछा लिया और पोछे से ही सारा कूड़ा मतलब साफ़ कर दिया था। नहीं तो वो पैरों के नीचे आता, चाहे हम नंगे पैर चले ना चले, पैरों के नीचे वो करकर आती है ना, वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने पोछे से ही सारी साफ़ सफाई कर दी थी। बस ये साफ़ करने के बाद फिर मैं टेलर के यहाँ जाऊँगी अपना सूट लेने के लिए, करवा चौथ वाला सिलना दे रखा ना, तो भैया ने बोला था कि 19 तारीख को शाम तक मैं वापस दे दूँगा, तो बस ये काम निपटा के और फिर टेलर भैया के पास जाऊँगी। चलो तो अब इस ब्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।